Okay, Google, what is torrent? According to waters.com, TechTarget, BitTorrent file for and requesting clients. पता नहीं क्या कह रही हूँ इनको। अब बात करते हैं टोरेंट कैसे काम करता है। तो एक्चुअली टोरेंट का कोई सर्वर नहीं है कि वहाँ सारी एप्लीकेशन या सारा जो डाटा है वो एक जगह पड़ा है, वो हर किसी बंदे के पास जो भी जिसके पास भी टोरेंट है उसके उस सिस्टम से या उस सिस्टम से ही काम करता है। लाइक मुझे कोई मूवी चाहिए, मुझे मूवी चाहिए या एप्लीकेशन चाहिए, सॉन्ग चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, टोरेंट साइट पर जाता हूँ, वहाँ लिखता हूँ कि मुझे ये मूवी चाहिए, तो फिर वो आपको फिल्टर करके जो एक ट्रैकर के थ्रू आपको एक एप्लीकेशन फाइल दे देगा कुछ 5 या 10 KB की। फिर आप उसे डाउनलोड करने के बाद आप जब उसे टॉरेंट पे अटैच करेंगे तो फिर वो दुनिया में जितने भी ट्रैकर्स के थ्रू आपके आसपास जितने भी टॉरेंट यूज करता है या उनके पास जो एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है जो आप अभी रिक्वेस्ट किया है, तो वो आपको ट्रेस करके आपके सिस्टम में उसका फाइल ट्रांसफर करता रहता है। और वो किसी एक सिस्टम के किसी एक कंप्यूटर के थ्रू आपके सिस्टम में नहीं आता है। किसी का कुछ पार्ट किस कंप्यूटर से आ रहा है, कोई पार्ट अमेरिका से आ रहा है, अफ्रीका से आ रहा है, कोरिया से आ रहा है, जितनी जगहों से थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके सिस्टम में आता रहता है। इसलिए जब आप टोरेंट मूवी डाउनलोड करते हैं तो आप उसे लाइक 30% हो गया तो आप उस 30% मूवी को नहीं देख सकते, क्योंकि वो कुछ पार्ट लाइक एंड का पार्ट आ गया, मिडिल का पार्ट आ गया या स्टार्टिंग का कुछ पार्ट आ गया, तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा पार्ट आता रहता है आपके सिस्टम में। तो फिर वो आपको जब लाइक मेरा कुछ उस मूवी का कुछ पार्ट आ रहा है कोरिया से, कुछ पार्ट आ रहा है अफ्रीका से, तो वो जहाँ से कोरिया से अमेरिका से वहाँ से कुछ पार्ट आ रहा है वो यूजर अपने सिस्टम को बंद कर लेता है तो फिर आपका डाउनलोडिंग फेल नहीं होगा, क्योंकि वो लिटल ट्रैकर के थ्रू वो दूसरे सिस्टम को अटैच करता रहता है। इससे जब भी आप सिस्टम ऑन करते हैं तो स्टार्टअप ये एप्लीकेशन होती है तो स्टार्ट होते ही वो अपने आप ट्रैकर के थ्रू या मैग्नेट लिंक होती है जिसके थ्रू वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करता रहता है। अब फिर बात करते हैं लाइक मैंने कुछ मूवी डाउनलोड की और वो 30% हो गई और मेरे किसी पड़ोसी को या मेरे जो पास वाले हैं उनको वही मूवी चाहिए, फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जो मेरा 30% पार्ट डाउनलोड हुआ वो दूसरे यूजर के पास चले जाता है। इसलिए जब जो भी एप्लीकेशन बनाती है वो कंपनियां उसे ट्रैक करने की करती है तो वो ट्रैक नहीं हो पाता, क्योंकि वो इतने सारे जाल क्रिएट कर देते हैं कि उनके लिए ट्रैक करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ पार्ट आया फिर वो दूसरे के पास चले गया, फिर कुछ पार्ट ऐसा इतना बड़ा जाल बन जाता है कि वो उसे ट्रैक नहीं कर पाते हैं। ओके, इस तरह टोरेंट काम करता है। और इसके अंदर दो तरह के यूजर होते हैं, लीजर और सीजर। तो ये क्या कहते हैं, जो फाइल अपलोड कर रहा है उसे बोलते हैं सीजर्स और जो डाउनलोड कर रहा है उसे बोलते हैं लीजर्स। ओके, तो इनके बेस पर ये काम करता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यू टोरेंट या बिट टोरेंट के थ्रू आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि कोई तो अपलोड करता होगा ऑफकोर्स टोरेंट ये फाइल्स हैं जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या मूवीज वीडियोस। ओके, एंड थैंक यू गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। यदि इस वीडियो के बारे में कुछ आपको कुछ सजेशन है या कमेंट है या आपको कुछ पार्ट समझ नहीं आया तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये तो क्लियर नहीं है कि मैं हर पार्ट आपको समझा पाया होगा क्लियरली। एंड थैंक यू गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। पीस। व्हाट इज यू क्रेजी मदर।